हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खल। फ्रेंड्स, आज की हमारी 1982 की है सिक्स लॉयड्स बैंक मास्टर्स ओपन टूर्नामेंट की, जो कि लंदन इंग्लैंड में खेला गया था। और यहाँ मुकाबला था दिबेंदु बरुआ और विक्टर कोर्चनोई के बीच में। फ्रेंड्स, विक्टर एज वी ऑल नो रशियन ग्रैंड मास्टर है और वे उस समय भी ग्रैंड मास्टर ही थे, लेकिन दिबेंदु बरुआ भारत के यंगस्टर थे, इंटरनेशनल मास्टर थे और उनकी रेटिंग उस समय 2375 थे। विक्टर की रेटिंग थी 2645। तो बहुत टफ कॉम्पिटिटर थे दिबेंदु के सामने उस समय भी, लेकिन दिबेंदु ने भी उनका मुकाबला काफ़ी खूबसूरती से किया। और फ्रेंड्स, मुझे यहाँ इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कृष्णेंदु बशार भाई ने बोला था। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस एक्साइटिंग गेम को देखते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की दिबेंदु ने e4 के साथ, तो e5 यहाँ विक्टर ने किया, नाइट f3, तो नाइट c6, बिशप c4, बिशप c5, गुई को पियानो ओपनिंग। और इसके बाद वाइट ने यहाँ कैसल किया, नाइट f6, d3, देन d6, c3, तो बिशप b6, बिशप g5, नाइट को यहाँ पिन किया, देन h6, बिशप को हटाना होगा या जो भी करना चाहे। वाइट ने यहाँ किया बिशप h4, तो क्वीन e7, देन नाइट एट b गोज टू d7, g5, अगेन बिशप पर अटैक, तो बिशप g3 स्क्वायर पर। और अब ब्लैक ने यहाँ किया बिशप g4, वाइट के नाइट को पिन किया, देन h3, और अब यहाँ इस बिशप के साथ ब्लैक को कुछ ना कुछ करना ही होगा, तो बिशप d7 स्क्वायर पर, देन बिशप b3, नाइट h5, यहाँ इस पिंड बिशप पर अटैक। और फ्रेंड्स, अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ, मैं क्या हम में से कोई भी खिलाड़ी यहाँ इस पॉइंट पर हो, तो अपने बिशप को ज़रूर h2 स्क्वायर पर वापस ले जाएगा, लेकिन यहाँ दिबेंदु ने किया नाइट c4, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव है। यहाँ अगर ब्लैक करे नाइट टेक्स g3, तो वाइट यहाँ पहले करेगा नाइट टेक्स b6। वो यहाँ पहले इस बिशप, जिसकी वजह से यहाँ ये f2 पॉन पिन था, उसको ही एलिमिनेट कर देगा। तो ए टेक्स b6, या फिर यहाँ ब्लैक वाइट के रुख को लेगा, तो वाइट भी ब्लैक के रुख को ले लेगा, देन एफ टेक्स g3, और यहाँ ये गेम बिल्कुल इक्वल रहेगी। तो काफ़ी स्मार्ट मूव है नाइट c4 वाला। यहाँ ब्लैक ने किया नाइट f4, बहुत अच्छा स्क्वायर है इस नाइट के लिए, देन d4, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया पर लॉन्ग साइड a4। और अब यहाँ वाइट की स्ट्रेटजी इस ए पॉन को आगे पुश करने की ही है, देन a6, d5, नाइट पर अटैक, तो नाइट b8 स्क्वायर पर, बहुत ज़्यादा पैसिव स्क्वायर है इस नाइट के लिए। नाइट टेक्स b6 चेक, c टेक्स b6, देन नाइट b2, तो रुक है d गोज टू g8, देन नाइट c4। यहाँ दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने अटैक्स ओपोनेंट के किंग की तरफ लगा दिए हैं। वाइट का अटैक फिलहाल इस b6 पॉन पर है एक चेक के साथ, और वहीं ब्लैक के दोनों रुक्स वाइट के कैसल्ड पॉन स्ट्रक्चर के सामने आ चुके हैं, और ऊपर से ये दोनों पॉन सब आगे पुश होके वाइट की मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल मूव ब्लैक का है, तो ब्लैक ने यहाँ किया किंग c7, अपने इस b6 पॉन पर डिफेंस किया, देन f3, ताकि ब्लैक यहाँ अगर इस जी पॉन को आगे पुश करे तो सिचुएशन को थोड़ा बहुत मैनेज किया जा सके। h5, क्वीन d2, देन b5, नाइट पर अटैक, तो नाइट हटाया e3 स्क्वायर पर, देन g4, और अब वाइट यहाँ क्या करे, एफ टेक g4, तो एच टेक g4, देन एच टेक g4, बिशप टेक g4, बिशप टेक f4, ई टेक f4, देन नाइट टेक g4। खैर, यहाँ सब मटेरियल एक्सचेंज अगर इस तरह से हो तो गेम को हम इक्वल ही कंसिडर करेंगे। हाँ, वाइट थोड़ा सा प्रेशर में तो होगा, पर जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपके कैसल्ड पॉन स्ट्रक्चर पर अटैक है, तो आप कोशिश करें कि आपके कैसल्ड पॉन स्ट्रक्चर के पॉन्स एक्सचेंज ना हो। वही काम यहाँ दिबेंदु ने किया, उन्होंने यहाँ अपने इस एच पॉन को आगे पुश किया h4 स्क्वायर पर, देन g takes f3, रुक टेक्स f3, यहाँ अपने इस बिशप पर डिफेंस भी किया वाइट ने, तो रुक टेक्स g3, और यहाँ ये रुक टेक्स g3 मूव किस लिए, रुक टेक्स g3, देन क्वीन टेक्स h4, ओके, काफ़ी डेडली मूव है यहाँ। और अब वाइट यहाँ क्या करे, रुक f3, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़े तो बिशप g4 रुक पर अटैक होगा, तो रुक f2 स्क्वायर पर आ जाएगा और सिचुएशन मैनेज हो सकती है। लेकिन दिबेंदु ने यहाँ किया नाइट f1, अपने इस रुक पर डिफेंस करने के लिए नाइट को लगाया, तो b takes a4, बिशप टेक्स a4, ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज। और अगर यहाँ ब्लैक बिशप एक्सचेंज करे बिशप टेक्स a4, तो रुक टेक्स a4। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर गेम इक्वल ही रहेगी, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया बिशप g4,
और यहाँ ये बिशप जी फोर मूव माइट भी काफ़ी पेनिट्रेटिंग मूव है ब्लैक का, रुक ई वन। और अब अगर यहाँ ब्लैक चाहे तो इस बी पॉन को भी आगे पुश कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ब्लैक ने किया क्वीन जी फाइव देन सी फोर तो एच फोर रुख पर अटैक। और देबिंदु ने यहाँ अभी अपने इस रुख को नहीं बचाया, उन्होंने यहाँ किया सी फाइव। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर ये सी फाइव मूव आखिर किन कैलकुलेशंस के साथ किया? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से वाइट को अपने रुख को ही बचाना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ ब्लैक करे एच टेक्स जी थ्री तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ती है। वाइट यहाँ पहले करेगा क्वीन ए फाइव चेक, तो ये किंग सी एट स्क्वायर पर ही जा सकता है, लेकिन इसके बाद सी टेक्स डी सिक्स और अब यहाँ वाइट की सीधी चेक मेटिंग अटैक है। तो ब्लैक अब इसका डिफेंस कैसे कर सकता है? मेरी नज़र में तो सिर्फ एक मात्र ही डिफेंस है, वो है क्वीन डी एट का ऑफरिंग क्वीन एक्शंस। लेकिन क्वीन सी फाइव चेक के बाद यहाँ ब्लैक को अपने इस नाइट को गंवाना होगा, तो नाइट ये सिर्फ सी सिक्स स्क्वायर पर ही आ सकता है। देन डी टेक्स सी सिक्स, बी टेक्स सी सिक्स और अब यहाँ वाइट चाहे तो इस बी सिक्स पॉन को लेकर ब्लैक की मुसीबतों को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन वाइट यहाँ पहले कर सकता है नाइट टेक्स जी थ्री, और वो यहाँ किस लिए? ब्लैक यहाँ किसी भी तरह का कोई मिसएडवेंचर ना करे, वो यहाँ अपने रुक को सेक्रीफाइस कर सकता है और फिर उसके बाद अपने क्वीन से एक चेक देकर वाइट के ऊपर एक अच्छी खासी थ्रेट बना सकता है। तो वाइट ने यहाँ पहले किया नाइट टेक्स जी थ्री, अपने इस डेंजरस पॉन को एलिमिनेट किया। देन नाइट ई सिक्स क्वीन पर अटैक होगा, तो क्वीन टेक्स सी सिक्स देन किंग बी एट स्क्वायर पर, और वाइट की पोजीशन फिलहाल काफ़ी सेफ होगी। क्वीन टेक्स ए सिक्स और ब्लैक का एक्सपोज्ड किंग वाइट के लिए एक आसान शिकार होगा। तो इन्हीं सब कैलकुलेशंस को देखते हुए यहाँ विक्टर ने किया डी टेक्स सी फाइव, लेकिन इस मूव का कोई ज़्यादा खास फायदा नहीं है। देबिंदु ने यहाँ किया डी सिक्स चेक और इस डी सिक्स स्क्वायर तक अपने एक पॉन को पहुँचा ही दिया, किंग बी सिक्स स्क्वायर पर, ताकि वाइट यहाँ अपनी क्वीन से ए फाइव स्क्वायर पर ले जाकर कहीं चेक ना कर दे। तो रुक बी थ्री चेक और इस तरह यहाँ वाइट ने अपने इस रुक को भी बचाया और ब्लैक के किंग को एक कॉर्नर में धकेल दिया, किंग ए सेवन देन क्वीन ए फाइव। और यहाँ वाइट की प्लानिंग एक चेक देकर आप कह सकते हैं कि चेकमेट करने की ही है। तो अब ब्लैक इसका डिफेंस कैसे कर सकता है? ब्लैक ने यहाँ किया बिशप सी एट, ताकि वाइट एक चेक तो दे लेकिन इस बी सेवन पॉन तक अपनी क्वीन को ना पहुँचा पाए। तो वाइट अगर यहाँ चाहे तो इस सी फाइव पॉन को लेकर एक चेक भी दे सकता है, लेकिन वाइट ने यहाँ पहले किया नाइट ई थ्री। एंड वाई दिस नाइट ई थ्री मूव? क्योंकि यहाँ ब्लैक भी चेकमेट कर रहा है। तो सी फोर रुख पर अटैक, मैं अगर यहाँ इस पॉइंट पर होता तो ज़रूर अपनी क्वीन से चेक देकर इस पॉन को ले लेता, लेकिन यहाँ देबिंदु ने किया डी सेवन। और यहाँ ये डी सेवन मूव आखिर किस लिए? ब्लैक ने यहाँ किया सी टेक्स बी थ्री, उन्होंने यहाँ पहले इस रुख को एलिमिनेट किया, लेकिन क्वीन सी फाइव चेक तो किंग ए एट स्क्वायर पर, देन डी टेक्स सी एट, रुख टेक्स सी एट, क्वीन टेक्स सी एट। इट मीन्स यहाँ वाइट ने अपना एक रुक देकर ब्लैक का एक बिशप और एक रुक ले लिया है, क्वीन जी थ्री। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ मटेरियल काउंट करें तो वाइट के पास इस समय एक रुक एक्स्ट्रा है, लेकिन ब्लैक की इस क्वीन का अटैक फिलहाल इस रुक पर ही है। तो इसका डिफेंस अब वाइट कैसे करेगा? किंग एफ वन दैट इज़ द ओनली मूव लेफ्ट, एच थ्री, और यहाँ अब वाइट का एक किंग पूरी तरह से एक्सपोज्ड होने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी टेक्स एच थ्री, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मेरी नज़र में ये गेम पूरी तरह से ब्लैक की थी। विक्टर ऑलमोस्ट इस गेम को जीत चुके थे, वे यहाँ सिंपल कर सकते थे क्वीन एफ थ्री चेक। और यहाँ फर्स्ट मूव है वाइट के लिए किंग को जी वन स्क्वायर पर ले जाना, और उसके बाद भी यहाँ कर सकते थे नाइट डी थ्री। और आप कह सकते हैं कि यहाँ ब्लैक सीधा ऑलमोस्ट चेकमेट की थ्रेट ही देता, तो इसका डिफेंस वाइट सिर्फ एक ही तरीके से कर सकता है, क्वीन को एफ फाइव स्क्वायर पर ले जाकर वो यहाँ क्वीन एक्सचेंज ऑफर दे सकते हैं। लेकिन क्वीन जी थ्री चेक तो नाइट ही बीच में आएगा जी टू स्क्वायर पर, देन नाइट एफ फोर, यहाँ इस नाइट के पिन होने का ब्लैक पूरा फायदा उठा सकता है। तो क्वीन जी फोर अगेन यहाँ वाइट क्वीन एक्सचेंज ही ऑफर कर सकता था, लेकिन ब्लैक के पास यहाँ मौका था नाइट टेक्स एच थ्री चेक करने का, और ये किंग अगर एफ वन स्क्वायर पर जाए तो क्वीन एफ टू चेक और यहाँ वाइट को मेट होगी ही होगी, तो ये किंग एच वन स्क्वायर पर जाएगा, लेकिन इसके बाद नाइट एफ टू चेक और वाइट को यहाँ अपनी क्वीन गंवानी होगी।
तो ये मूव विक्टर से यहाँ मेरी नज़र में मिस हुआ। माइट भी हो सकता है कुछ और कैलकुलेशंस भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। यहाँ इस पॉइंट पर विक्टर ने किया नाइट डी थ्री, वो यहाँ अगर एक चेक दे देते तो ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने यहाँ पहले सीधा चेकमेट की थ्रेट दी, लेकिन अभी फ़िलहाल वाइट यहाँ इस चेकमेटिंग अटैक से बच सकता है। वाइट ने यहाँ किया किंग ई टू, और अभी भी ब्लैक अगर चाहे तो वो यहाँ इस गेम को डोमिनेट कर सकता था। वो यहाँ कर सकता था क्वीन टेक्स ई वन चेक, तो किंग टेक्स डी थ्री, और इस तरह यहाँ वाइट को रुक गंवाना होता। ब्लैक के नाइट को लेकर के कोई दिक्कत नहीं थी, तो क्वीन बी वन चेक तो किंग ई टू स्क्वायर, देन क्वीन टेक्स बी टू चेक तो किंग एफ थ्री स्क्वायर पर। और यहाँ इस तरह माइट बी ब्लैक एक पासर के साथ कुछ चांसेस ले सकता था, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर विक्टर ने किया नाइट टेक्स ई वन। उन्होंने यहाँ सिंपल अपने रुक का जो लॉस था उसे कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन क्वीन जी फोर क्वीन एक्सचेंज ऑफर, जिसे अब विक्टर ने एक्सेप्ट किया, शायद नहीं करना चाहिए था। क्वीन टेक्स जी फोर चेक तो नाइट टेक्स जी फोर, देन नाइट सी टू। और फ्रेंड्स यहाँ तक कि ये गेम भी मेरे ख्याल से मैं बैलेंस ही कहूँगा। मोमेंटम माइट बी ब्लैक के फेवर में या वाइट के फेवर में अभी फ़िलहाल मैं डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन वाइट ने यहाँ किया किंग डी थ्री नॉट ठीक है मूव। और अब मेरे ख्याल से ब्लैक को यहाँ अपने इस नाइट को मूव कर लेना चाहिए था एट द सेंटर ऑफ द बोर्ड। डी फोर स्क्वायर ज़्यादा अच्छा था, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर विक्टर ने किया नाइट ए वन, और इस क्रूशियल पॉइंट पर ये इस गेम में उनका सबसे बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपने दोनों नाइट्स बोर्ड के कॉर्नर में रखे हुए हैं। वाइट के माइनर पीसेस को देखिए, दोनों बिल्कुल सही स्क्वायर्स पर प्लेस हैं। वे यहाँ सबसे पहले तो इस बी थ्री पॉन पर अटैक बना रहा है, और ब्लैक ने इस बी थ्री पॉन के डिफेंस के लिए अपने नाइट को ए वन स्क्वायर पर ले जाकर रख दिया। ये मूव मेरी समझ से बाहर है। तो दिबिंदु ने यहाँ किया बिशप ई एट, सबसे पहले इस एफ सिक्स पॉन पर अटैक बनाया, तो नाइट सी सिक्स, और ठीक है बोर्ड में एक और नाइट की एंट्री हुई, लग तो बिशप टेक्स सी सिक्स, बी टेक्स सी सिक्स, देन एच फोर। और यहाँ ये क्लियर पास वाइट का अब इस गेम में कमाल दिखाएगा, क्योंकि ये यहाँ ये नाइट ऑलमोस्ट बोर्ड के दूसरे कॉर्नर पर है, और पता नहीं किस तरह से ये पॉन रुकेगा। नाइट सी टू, देन एच फाइव, नाइट डी फोर, देन एच सिक्स, नाइट ए सिक्स, देन एच सेवन, तो नाइट एफ फोर चेक, और यहाँ एक चेक के साथ ब्लैक को मौका मिला इस पॉन को रोकने का, किंग ई थ्री, देन नाइट जी सिक्स। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करके देखें और वाइट का अगला मूव क्या हो सकता है जो ब्लैक को काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा, आप ज़रा यहाँ ढूंढने की कोशिश करें। और फ्रेंड्स अगर आज जो मूव आप सोच पा रहे हैं वो नाइट टेक्स ई फाइव है, तो बहुत बहुत बधाई, आप यहाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यही काम यहाँ दिबिंदु ने किया, क्योंकि यहाँ ब्लैक इस नाइट को नहीं ले सकता। अगर वो यहाँ नाइट टेक्स ई फाइव करेगा तो एच एट इक्वल्स क्वीन विद चेक, और ब्लैक को यहाँ अपना नाइट गंवाना होगा। तो ब्लैक यहाँ एक पॉन के नुकसान से ही संतुष्ट रहेगा। नाइट एच एट यहाँ विक्टर ने किया, लेकिन नाइट टेक्स एफ सेवन, और यहाँ ये नाइट टेक्स एफ सेवन मूव। और अगर आप यहाँ एंड गेम के पैटर्न्स को समझते हैं तो ये मूव आपको बिल्कुल पहले ही क्लिक में समझ में आ गया होगा। यहाँ आखिर वाइट ने अपने इस नाइट को सेक्रीफाइस क्यों किया, क्योंकि यहाँ वाइट को ये ई पॉन क्लियर पासस मिल चुका है, तो ब्लैक को यहाँ अब करना ही पड़ा नाइट टेक्स एफ सेवन। लेकिन ई फाइव मूव के बाद यहाँ विक्टर कोर्चनोई ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स अब यहाँ ब्लैक क्या करे, अगर वो यहाँ इस ई फाइव पॉन को ले तो ये एच पॉन क्वीन प्रमोट हो जाता है, और अगर यहाँ ये नाइट वापस एच एट स्क्वायर पर जाए तो ये क्लियर पासर तीन मूव के बाद क्वीन प्रमोट हो जाएगा। तो विक्टर के पास यहाँ रिज़ाइन करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। फ्रेंड्स क्या ज़बरदस्त गेम थी दिबिंदु की। दिबिंदु ने जिस तरह से अपने पीसेस को मूव किया, विक्टर को लग रहा होगा कि इस गेम को वे जीत चुके हैं, लेकिन दिबिंदु ने तो लास्ट में आकर उन्हें बिल्कुल सरप्राइज़ ही कर दिया। और फ्रेंड्स मैं यहाँ इस वीडियो को एंड करने से पहले कृष्णेंदु भाई का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त गेम को ढूंढकर हम सभी लोगों को बताया। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।